लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे बालों को हेल्दी ग्रोथ के लिए लगाएं ड्राई रोजमेरी से बने ये चार हेयर मास्क। मैं इनको बनाने का तरीका भी आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बालों की ग्रोथ के लिए पोषण और बालों की देखभाल दोनों जरूरी है। पोषण की कमी को आप हेल्दी डाइट से पूरा कर सकते हैं, लेकिन बालों की देखभाल के लिए समय देना जरूरी होता है। बालों की ग्रोथ के लिए लोग मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स हर किसी को सूट नहीं करते हैं। कुछ लोगों को इनके कारण साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर रहें। बालों की ग्रोथ के लिए रोजमेरी को सुखा कर इस्तेमाल करना भी फ़ायदेमंद होता है। अगर इनमें फेस मास्क बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो इससे जड़ें मजबूत होती हैं। पहले जाने बालों के लिए ड्राई रोजमेरी क्यों फायदेमंद है। रोजमेरी ड्राई करने से डीटीएच हार्मोन कंट्रोल होता है, जो हेयर फॉल के लिए जिम्मेदार होता है। स्कैल्प में लगाने पर इसमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। रोजमेरी के इस्तेमाल से हेयर फॉलिक्स स्ट्रांग होता है और बालों की ग्रोथ में मदद मिलती है। बालों को ग्रोथ के लिए बनाए रोजमेरी ड्राई रोजमेरी से बने ये हेयर मास्क। रोजमेरी और सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर। जब ड्राई रोजमेरी और सेब के सिरके का हेयर मास्क बालों की ग्रोथ में मददगार होता है। सेब के सिरके में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसमें स्कल्प इन्फेक्शन कंट्रोल रहता है। स्कल्प इन्फेक्शन कंट्रोल बनाने होने से बालों की ग्रोथ में तेजी होती है। इस्तेमाल के लिए एक गिलास पानी में मुट्ठी भर रोजमेरी के पत्ते उबालें। इसमें एक चम्मच सेब का सिरका ऐड करें और दो घंटे के लिए बालों में लगा रहने दें। अब बनाने के लिए इसमें स्कल्प और बालों की मसाज करें। कुछ देर बाद सर को धो लें। रोजमेरी और अलसी के बीज। रोजमेरी और अलसी के बीज का हेयर मास्क जड़ों को मजबूती देता है। इसके इस्तेमाल से बालों में साइन आती है और बाल हेल्दी होते हैं। अलसी में बीज में नेचुरल जेल होता है, जो बालों को झड़ना कम करता है। हेयर मास्क बनाने के लिए अलसी को उबाल कर उसका जेल तैयार कर लें और इसमें दो चम्मच रोजमेरी पाउडर और थोड़ी एलोवेरा जेल मिलाएं। मास्क बनाकर बालों पर लगाएं और 20 से 25 मिनट के बाद सर को धो लें। रोजमेरी और नेटल लीफ। रोजमेरी और नेटल लीफ को अलग अलग उबाल लें। इसमें दो चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं और हेयर मास्क तैयार करें। बालों पर लगाएं और 20 से 25 मिनट तक लगाकर रखें। रोजमेरी और नेटल लीफ का हेयर मास्क बालों में खुजली और रूखापन कम करता है। इसमें स्कल्प को नमी मिलती है और बालों का झड़ना कम होता है। रोजमेरी से बनाएं हेयर स्प्रे। रोजमेरी को पानी एक गिलास पानी में उबाल लें। जब आधा रह जाए तो इसे छानकर बोतल में भर लें। शैम्पू से पहले या बाद में इस पानी से बालों की मसाज करें। इसे स्कल्प पर ही इस्तेमाल करें, जिससे जड़ों को पोषण मिल जाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। धन्यवाद।